यहां कितने लोग हो जो भगवान राम को जानते हो, जरा हाथ उठाओ। सब लोग जानते हो, राम रावण को जानते हो, कौरव पांडव को जानते हो, आल्हा उदल इंदल रुकवा बेलवा चनवा को जानते हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपके लिए काम किया, हम इनको नहीं जानते। लेकिन राम और रावण की लड़ाई के करे बदे भाई लो, राम रावण की लड़ाई किसके लिए हुई बोला तई? राम रावण की लड़ाई सीता मेहरारू बदे, बोलो गलत कह रहा हूं? राम रावण की लड़ाई बताओ देश के लिए हुई है क्या? सीता के लिए। कौरव पांडव की लड़ाई द्रौपदी के लिए, आला उदल इंदल की लड़ाई रुकवा बेलवा चनवा के लिए। इनका लोगों का रामायण लिखा गया, ग्रंथ बन गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने मुझे अधिकार दिलाने के लिए तेरे बेटे को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने के लिए संविधान में योग दिया, लेकिन इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा। इसी बात को लेके हम लोग परेशान हैं, इसी नाते हम लोग घूम घूम के बता रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। जो अपने बाप को बाप न कहे, दूसरे के बाप को बाप कहे, तो बताओ विरासत मिलेगी नहीं मिलेगी? जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये इतिहास है देश का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 1984 के पहले 5% लोग जानते थे, लेकिन धन्य है मान्यवर कांशीराम जी पंजाब की धरती से आए और आज ऐसा बिगुल उन्होंने बजाया कि पूरे दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लोग जानने लगे, बच्चा बच्चा जानने लगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को।